फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग विच हैज नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा वेयर लैम्डा नॉट इज पॉजिटिव एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है तो ये एंगल आपका थीटा आएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास चार्ज जीरो होगा, ये चार्ज दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज करती जाएगी और इस एंड पे सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी, और उसके बाद फिर से ये डेंसिटी कुछ डिक्रीज कर रही होगी, यहां पे जीरो आएगी, इसके बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज शुरू हो गया होगा। इधर नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन कम होगा, यहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा, फिर यहां पे कम हुआ होगा। पहला स्टेप तो ये था, मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखा दे रहा हूं, कुछ इस तरह से मिला, ठीक है। ये स्टेप समझ में आ गया तो आगे बढ़े बेटा, फिर जो इंटीग्रेट करना है वो तो करना ही करना है। अच्छा सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा ये तो बता दो, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। वेरी गुड बेटा, सेंटर पे पोटेंशियल पूछ लिया तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वी तो जीरो होना है, आग बंद करके वी इज इक्वल टू जीरो लिख दिया हमने। क्यों? जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में है, और कहां पे पोजीशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल ली जाएगी, तो फिर आ जाते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल पे भाई, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं क्योंकि हमें तो पॉइंट चार्ज की ही डेफिनेशन पता थी, अब बाकी हमने निकाल ली थी वो याद है हमें, अच्छी बात है। तो एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करेंगे। अब जब भी कभी सर्कुलर पार्ट आए तो एलिमेंट कैसे एज्यूम किया जाता है, मान लीजिए ये मैंने एलिमेंट ले लिया, ये छोटा सा मेरे पास ब्लैक कलर का एलिमेंट मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इस पे जो मेरे पास डी क्यू होगा, ठीक, वो आपका हो जाएगा लैम्डा डीएल, या इस डीएल को मैं कह सकता हूं आर डी थीटा, अभी दिखा रहा हूं बेटा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा एंगल बना रहा होगा सेंटर पे, और यही एंगल आपका होगा डी थीटा। तो एक तो ये चीज है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, हां जी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। ओके अच्छा, इसी के आइडेंटिकल एक पीस यहां पर भी होगा, और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर आएगी। ये समझ में आ रहा है, आई एम कॉलिंग दिस फील्ड डीई, और इस डी को आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा डीई की वैल्यू आएगी 1/4 pi epsilon naught, डी क्यू की जगह मैं सीधे लिख दे रहा हूं लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इससे सब एग्री कर रहे होंगे। और अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो डी ई मेरे पास आ गई, ये रही मेरी डी ई और ये भी होगी डी ई, क्लियर है। ओके अब अगर आप देखें तो यहां पर इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे,
ये एंगल थीटा था बेटा, तो बचेगा कौन सा कंपोनेंट? इधर वाला कंपोनेंट। ओके, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी केवल पॉजिटिव की बात हुई है। बिल्कुल ऐसा ही कहां होगा? नेगेटिव की वजह से। अरे है तो सिमेट्रिक ना, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट करेगा माइनस चार्ज। ओके, तो अब अगर हम देखें तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, उसमें कौन सा कंपोनेंट आएगा? कंपोनेंट इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, और इसे हम कहेंगे डी ई साइन थीटा। और मैं इसको डबल कर दे रहा हूं बेटा, फोर नहीं कर रहा हूं, डबल कर रहा हूं। एक प्लस का है और एक नेगेटिव का है, और मैं अपना एंगल लूंगा पूरा जीरो से लेके 180 डिग्री तक। बिल्कुल सही बात है, आप अपर हाफ के लिए निकाल के उसको बाद में डबल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आपके ऊपर है बेटा, जिसमें आपका कमांड हो आप वो काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस बनी हुई है आप उस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई अगर जीरो से पाई बाय टू करके उसको फोर टाइम्स कर देता है तब भी सही है। अब आपने जो है इंटीग्रेशन पढ़ लिया है तो उसकी रूल्स भी आप लगा सकते हैं, प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो अब तो आप उसमें भी मास्टर है। ओके, तो अब देखिएगा यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में आएगी, वो आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन 2DE साइन थीटा, लिमिट आपकी आएगी जीरो से पाई, मैंने जो लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहां से आगे क्या आएगा, 2 मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा की जगह उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं, लैम्डा नॉट साइन थीटा, और एक साइन थीटा और आएगा कंपोनेंट वाला, और ये आएगा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर, कुछ इस तरह की आएगी एक्सप्रेशन। ये आ गई तो फिर आगे बढ़े, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, लैम्डा नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 भी था यहां पे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा लिमिट 0 से पाई, ये आ जाएगी क्लियर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा, बिल्कुल 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 1 माइनस cos 2 थीटा लिखते थे, बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई। ओके ओके ओके, हो गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आपका आंसर एक बार चेक करा देते हैं। तो अब यहां से आप देखोगे बेटा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ गया लैम्डा नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से पाई माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 से पाए, और ये जो आपका आया ये आपका 0 हो जाएगा बेटा। आप इसे डायरेक्टली देख सकते हैं, एसी में हमने किया था इन चीजों को। ठीक, तो यहां से इंटीग्रेशन डी थीटा करेंगे तो पाई का टर्म आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर, ये समझ में आ गया, लैम्डा नॉट है यहां पे। ओके, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा और डायरेक्शन होगी माइनस जे कैप, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
पाई कैंसिल हो गया। ओ पाई कैंसिल हो गया, यहां से पाई आएगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा। जल्दीबाजी मत कर, जल्दीबाजी मत कर। हाँ ठीक है, ओके। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सरफेस एंड इनसाइड स्फीयर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो आर इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन। हां जी, वेरिएबल दे दी, रो आपको दे दिया है, ए ए कॉन्स्टेंट है, आर टू द पावर एन, ठीक है, ए कॉन्स्टेंट है बेटा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, लेकिन हाँ एक बार तैयार रहना चाहिए, ये आपको जो है मेंस में भी मिल सकता है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए कैसे ये क्वेश्चन होगा? बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो गॉस लॉ लगा देंगे, तो जल्दी से गॉसियन सरफेस ले लीजिए। सबसे पहले तो बेटा गॉस लॉ तो बाद में लगाएगी, पहले चार्ज चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दो काम कर लेते हैं, एक क्योंकि हमें सरफेस पे भी चाहिए, तो अगर सरफेस पे निकालना है तो चीजें बहुत आसान है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक शेल एज्यूम कर रहे हैं डी आर थिकनेस का, और इसका रेडियस आर ले लिया हमने, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, 4πr² dr, ये हमारा एरिया था, और यहां हम रो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा dq, क्लियर। या मैं टोटल चार्ज को कह सकता हूं, मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, 4πr² रो की वैल्यू डाल दे रहा हूं, ए आर टू दी पावर एन डी आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4πar^(n+2) इंटीग्रेशन डी आर, ये आपका चार्ज आएगा। अब ये डिपेंड करेगा कि मैं टोटल चार्ज निकाल रहा हूं या अंदर निकाल रहा हूं, ओके। तो अभी मैं पहले क्योंकि टोटल निकाल रहा था तो मैं इसको जीरो से आर की लिमिट दे रहा हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 4πar^(n+3)/(n+3)। ये मेरा क्यू टोटल आ गया बेटा, ठीक है, ओके। और इसको मैं कह रहा हूं क्यू इनसाइड, तो क्यू इनसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, 4πar^(1)। एक मिनट, यहां पर बेटा कैपिटल आर होगा, ये लिमिट डालनी पड़ेगी, और यहां पे आ जाएगा r^(n+3)/(n+3)। बहुत अच्छी बात है बेटा, सबसे पहले तो हमने ये निकाल लिया चार्ज, ठीक है। अब गॉस लॉ लगा दीजिए, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो सीधे आंसर ही लिख देते हैं फिर। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं बाकी लोगों के लिए भी, ठीक है ना। तो अब अगर आप गॉस लॉ लगाएंगे तो e^4πr² = q(enclosed/ε0)। ये हो जाएगा, ये कहां पे है, e एज अ इनसाइड कह लीजिए इसको, ठीक है, ओके वेरी गुड। तो यहां से मेरा जो ई आर आएगा वो आ जाएगा 1/4πr²ε0 q, इनक्लोज की वैल्यू आ जाएगी 4πar^(n+3)/(n+3)। तो 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा r^(n+1)/(ε0)(n+3)। इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया,
अब अगर आप ई सरफेस की बात करेंगे तो कंटिन्यूटी आपको पता है रहती है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए कैपिटल आर टू द पावर एन प्लस वन बाय एप्सिलॉन नॉट एन प्लस थ्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपने निकाल ली। हाँ, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल में सबसे आसान होता है सरफेस पे पोटेंशियल निकालना बेटा, के क्यू बाय आर, ठीक है ना। बट हाँ, इनर में ये फॉर्मूला मत लगा देना, वो गड़बड़ कर देगा। इनर वाले को बिल्कुल सही माइनस ई डॉट डी आर से करना पड़ेगा। यस यस यस, तो प्रिपेयर्ड हैं आप लोग, लग रहा है बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। बढ़िया बेटा, वेरी गुड। तो अब देख लेते हैं जरा, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये तो हम अप्लाई करेंगे इनसाइड के लिए, और के क्यू बाय आर ये है वी सरफेस, इसको पहले से लिख देते हैं। ये है मेरा 4 पाई ए आर टू द पावर एन प्लस थ्री बाय एन प्लस थ्री, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ, एक आर भी नीचे आ रहा था, ये आर से ये एन प्लस टू हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आंसर क्या आ रहा है, यहां पे ए था भाई, तो ये ए आर टू दी पावर एन प्लस टू बाय एप्सिलॉन नॉट एन प्लस थ्री। ये आ रहा है वी सरफेस बेटा, ध्रुव का तो शायद यही आया, ए आर टू दी पावर एन प्लस टू बाय एप्सिलॉन नॉट एन प्लस थ्री। ओके ओके, आपने वो भी निकाल लिया, ठीक है बेटा, ठीक है। अब देखिए, इनसाइड जो वी निकालना ना, इसके लिए बहुत ध्यान दीजिएगा लिमिट्स की। ये हमने जब वो वेरिएबल वाला क्या था ना, नॉन कंडक्टिंग वाला, इनसाइड वाला, तो बेसिक प्रिंसिपल उसके हिसाब से किया था हमने। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आप ले लीजिए V in, ये ले लीजिए V surface, यहां रखिए R और यहां कैपिटल R, और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा Vs minus Vr is equal to, Vs माइनस वी आर इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू, ई कहां था, ई रहा ये, ठीक है, इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले ले रहा हूं बेटा, और ये आपका हो जाएगा आर टू द पावर एन प्लस टू बाय एन प्लस टू, ओके, लिमिट स्मॉल आर टू कैपिटल आर, ठीक। तो वी इनसाइड जो आएगा, या वी आर जिसे आपने कहा था, दिस इज इनसाइड, ये आपका आ जाएगा वी सरफेस प्लस ए बाय एप्सिलॉन नॉट एन प्लस थ्री एन प्लस टू, इसको बाहर ले लेते हैं, क्लियर। ये आपका आ जाएगा r टू दी पावर n प्लस टू माइनस स्मॉल r टू दी पावर n प्लस टू। क्या ये आंसर आ रहा है आप सबका, ओके ओके ओके, ठीक है। और v सरफेस आपने निकाल लिया, उस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर सकते हैं। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, अगर आपको मान लीजिए ऐसे एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं और आपको वो पहले वाला केस याद है, रो कांस्टेंट वाला, ठीक है ना, रो को कांस्टेंट दिया हुआ था, तो जब रो कांस्टेंट दिया था तो यानी रो इज इक्वल टू ए हो गया,
एन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। रख के देख लो। यस, आप सीधे सीधे उसको, वो तो याद थे ना, वो तो हमें याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी अंदर और पोटेंशियल क्या था सेंटर पे क्या था, तो वो सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो कई बार जरूरी नहीं कि आप हमेशा पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करें। क्लियर? तो ये बेटा आज के क्वेश्चंस थे।